आपको जमीन दी है? हाँ, ये जमीन मेरे को बताई है। हाँ, क्या है उसमें? उसमें ये कॉलेज बनी हुई है। दिखाओ। जमीन के बदले जमीन चाहिए हमको, नहीं तो फिर ये पूरी बिल्डिंग दे दो। इसको खेती कैसे करेंगे? इसके नर्मदा ट्रिब्यूनल अवार्ड के हिसाब से जो भी इस सरदार सरोवर बांध में डूबने आता है उसको जमीन के बदले जमीन और घर के बदले घर, ऐसा कानून है। लेकिन सरदार सरोवर में मध्य प्रदेश के 193 गांव डूब में आ रहे हैं, जिसमें सामने चिकलता गांव है, ऐसे इस नर्मदा के दोनों किनारे 193 गांव डूब में आ रहे हैं। इसमें कम से कम 45,000 परिवार है, लेकिन 30 आदिवासी किसान को छोड़कर मध्य प्रदेश शासन ने किसी को जमीन नहीं दी। राजघाट पर देश भर के अलग अलग राज्यों के 4 रिटायर हाईकोर्ट के जजों के सामने जन अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के विस्थापित हजारों की संख्या में आए और उन्होंने जजों के सामने रखा कि आज भी हमारा पुनर्वास नहीं हुआ। 244 गांव और एक नगर धर्मपुरी नाम का अगर डूब में आता है तो एक प्रकार से जल समाधि दी जाएगी इस दुनिया। नर्मदा घाटी दुनिया की सबसे पुरानी आद्यतन संस्कृति है, यहाँ आदिमानव का जन्म हुआ है ऐसा माना जाता है, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी पुरानी संस्कृति। अब इसको प्री हिस्ट्री ब्रांच ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बताते हैं। और ये पूरी डूब गैर कानूनी है, जो बांध का कार्य आगे बढ़ाया गया वो भी गैर कानूनी है। तो निश्चित रूप से इससे टकराने का एक अहिंसक सत्याग्रही संकल्प नर्मदा बचाओ आंदोलन को 30 साल के संघर्ष और निर्माण के बाद लेना पड़ा है, इसीलिए हम जीवन अधिकार सत्याग्रह पर उतरे। मेरे गांव की स्थिति है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ ये श्री राम मंदिर है और ये पूर्ण रूप से 455 में के ब्रेक वाटर में डूबने वाला है। दूसरा, ये हमारे सरदार भाई अजीज भाई है मुस्लिम परिवार से, इनको भी 455 में ब्रेक वाटर में डुबा दिया गया है, पर वर्तमान स्थिति ऐसी है कि इनको ब्रेक वाटर से बाहर कर दिया गया है। अब ये बसावट के ये ठिकाने हैं तो पुनर्वास है का? सरकार हमें डुबाने का बोल रही तो हम कैसे डूबे न हटे? जीरो बैलेंस बता दिया है और कागज पे बसा दिया है, कागज पे हमारी बसावट हो गई है, लेकिन हकीकत में देखे तो बसावट ये हाल है। सामने चिकलता गांव है जिसमें एशिया का पहला किसान का जन्म हुआ, ऐसे गांव के गांव मंदिर मस्जिद डूब में आते हैं लेकिन किसी को जमीन नहीं मिली। इसलिए राजघाट पर नर्मदा बचाओ आंदोलन का जीने का हक के लिए सत्याग्रह शुरू है। मैं चेतन सालवे और ये मेरा समुदाय चिकलदा राजघाट सत्याग्रह से मध्य प्रदेश इंडिया अनहर्ड के लिए।